Hello everyone, I am Dr. Shalini Gupta, Department of Chemistry at KCMT Bareilly. Now, we are discuss about the sigma and pi bond. हम जानते हैं कि covalent bond का formation आपस में क्रिया करने वाले दो atoms के बीच में electron की sharing से होता है. Electron की यह sharing orbital की overlapping से होती है. In other words, we can say covalent bond का formation orbitals की overlapping से होता है. यह overlapping two types से हो सकती है. First, along their axis, जिसे हम head-on overlapping भी कहते हैं. And the second one is perpendicular their axis, जिसे हम sidewise overlapping भी कहते हैं. Head-to-head overlapping से sigma bond का तथा sidewise overlapping से pi bond का formation होता है. अब हम बात करते हैं sigma bond की. Sigma bond का formation दो half-filled atomic orbitals के head-to-head overlapping से होता है. इस प्रकार की overlapping maximum होती है. इसलिए sigma bond strong होता है. Sigma bond का formation three types से हो सकता है. First है SS overlapping and second है SP overlapping and the third one is PP overlapping. SS overlapping, हम बात करते हैं SS overlapping की. SS overlapping कैसे होती है? जब दो participate करने वाले atoms के S orbital यानी दोनों atoms के SS orbitals आपस में overlapping करके नए bond का formation करते हैं, तब इसे हम SS overlapping कहते हैं और इससे बनने वाला bond sigma bond कहलाता है. इसी प्रकार से SP overlapping में क्या होता है, जो participate करते हैं उन दोनों atom में से एक atoms यानी पहले वाले atoms का S orbital and दूसरे atom का P orbital आपस में overlap sidewise overlapping कहते हैं और इससे जो bond बनता है उसे हम sigma bond कहते हैं. And third one is PP overlapping. इसमें क्या होता है कि दोनों एटम्स के यानी पार्टिसिपेट करने वाले कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम्स के पी ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. इससे पी और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है. अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की. पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है. जब दोनों एटम्स के ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप्ड होते हैं तब हम इसे पाई बॉन्ड कहते हैं. यह बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा थोड़ा वीक होता है. इसका अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी थ्री टाइप से हो सकता है. फर्स्ट है 2p ऑर्बिटल्स, सेकंड है 1p एंड 1d ऑर्बिटल एंड द थर्ड वन इज 2d ऑर्बिटल्स. पहला है pp ओवरलैपिंग. जब पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम्स के pp ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या नए एटम्स बनाते हैं और उनके तब जो बॉन्ड बनता है तब वो बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड. इसी प्रकार से डीपी ओवरलैप, जब कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम में से एक का डी ऑर्बिटल तथा दूसरे का पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तब इससे बनने वाला बॉन्ड या ओवरलैपिंग डीपी ओवरलैपिंग कहलाती है. एंड द थर्ड है डीडी ओवरलैप. डीडी ओवरलैप में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से दोनों का पहले एटम का भी एंड सेकंड एटम का भी डीडी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. यही बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड कहलाता है और इस ओवरलैपिंग को हम डीडी ओवरलैपिंग कहते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.